वेलकम टू ठाकुर जी सपोर्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में ज़्यादातर यूज किए जाने वाले लोपामाइड 2 mg टेबलेट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये किन किन बीमारियों में काम आती है, इसको कब लेनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इसको लेने से क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर जी सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लोपामाइड टेबलेट एक दस्तरोधिक दवा है या फिर डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है। इसका उपयोग विशेष रूप से दस्त का इलाज करने के लिए किया जाता है। लोपामाइड टेबलेट गुफिक बायोसाइंस लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसकी MRP की बात की जाए तो 20 rupees की 10 tablets आती है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो लोपामाइड 2 mg टेबलेट। चलिए जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। आपको किसी वजह से बहुत ज़्यादा लेटिंग होने लगे तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है, या फिर आपको लूज मौसम जैसे लक्षण देखे जाते हैं उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है, या फिर डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। साथ साथ बाउल सिडन, तीव्र दस्त, अस्थायी दस्त, पेट में मरोड़े पड़ने लगे तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है, या फिर आंतों में बहुत ज़्यादा ऐंठन पड़ने लगे तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो चले जानते हैं इसके डोजेस के बारे में। लोपामाइड टेबलेट उपचार के समय रोगियों की स्थिति और दवा के शुरुआती लक्षण के अनुसार दी जाती है। इसकी खुराक डॉक्टर द्वारा तय की जाती है, इसीलिए तय की गई मात्रा से ज़्यादा ना लें। इसकी सामान्य खुराक 3 साल से ऊपर वाले बच्चे को आधा आधा टेबलेट 3 बार दिया जाता है, या फिर 18 वर्ष से ऊपर वाले मरीज को 1 tablet सुबह और 1 tablet शाम दिया जा सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा लेटिंग होने लगे तो आप 4 times भी इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उसका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए, साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी हमें मालूम होना चाहिए। अगर आपको कोई मुझसे सवाल है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। चलिए जानते हैं किन किन व्यक्ति को ये दवा यूज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जान लेते हैं। हृदय और जिगर वाले मरीज को सावधानियों से इस्तेमाल करना चाहिए। हृदय रोग या गुदे वाले मरीज को ये सावधानियों से इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर पेट में सूजन, बुखार, आंतों में सूजन हो तो उसको भी सावधानियों पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर गर्भवती महिला है या फिर जो महिला बच्चे को दूध पिलाता है वो भी अपने सावधानियों से भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो चलिए जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। आपको कब्ज होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि मुझ पे सूट नहीं कर रहा है, या फिर आपको एलर्जी होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि मुझ पे सूट नहीं कर रहा है, या फिर मतली या उल्टी या फिर पेट की गैस होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि मुझ पे सूट नहीं कर रहा है। साथ साथ बता दूं कि मुंह सूखने लगे तो उस कंडीशन में भी इसका यूज नहीं करना चाहिए, या फिर आपको चक्कर आने लगे तो आप समझ सकते हैं कि मुझ पे सूट नहीं कर रहा है, या फिर आपको अपच होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि ये मुझ पे सूट नहीं कर रहा है। तो चलिए जानते हैं सावधानियों के बारे में। दोस्तों लोपामाइड टेबलेट लेने के बाद आपको शराब नहीं पीना चाहिए। ड्राइविंग के दौरान दवा लेने से आपको नींद आ सकती है, इसीलिए इस दौरान इस दवा का उपयोग ना करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी दवा यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।